बात 1950 के दशक की है, 1950 के दशक के बीच की है। शंकर जयकिशन साहब एक ऐसी फिल्म के संगीत पर काम कर रहे थे जिसमें अधिकतर गाने या तो क्लासिकल बेस्ड थे या फिर फोक टच गाने थे। तो उसमें एक ऐसा गाना राग पर आधारित था कि जिसमें मुकाबला होना था, तो उन्होंने एक तो इस राग के गाने को गाने के लिए एक सिंगर को जो चुना वो थे भारत के बहुत महान शास्त्रीय गायक, और दूसरे सिंगर को उन्होंने जो चुना वो थे मन्ना डे साहब। मन्ना डे साहब जो शास्त्रीय गायन में पारंगत थे, मगर जब उन्होंने शंकर जयकिशन साहब की ये कंपोजिशन सुनी तो वो गाने से घबरा गए, इनकार कर दिया। उनको लगा उनके सामने इतने बड़े शास्त्रीय गायक है, कैसे इस गाने को वो गाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। मगर शंकर जयकिशन थे, उनको पता था कि कैसे काम लेना है, उनको पता था मन्ना डे साहब इसको बेहतर गा सकते हैं उस महान शास्त्रीय गायक के अपोजिट। मगर मन्ना डे साहब कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो मन्ना डे साहब ने एक प्लान किया। उन्होंने कहा मैं कुछ दिन के लिए पूना चला जाता हूँ, जब वापस लौट करके आऊंगा शायद शंकर जयकिशन इस बात को भूल जाएंगे और मूड बना लेंगे कोई दूसरा, किसी दूसरे सिंगर के लिए गवाने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मन्ना डे साहब चले गए पूना, कुछ दिन बाद लौट कर आए, मगर शंकर जयकिशन तो शंकर जयकिशन थे, उनको पता था वो कैसा काम किससे ले सकते हैं। उन्होंने मन्ना डे साहब को फिर पकड़ा, मन्ना डे साहब मना नहीं कर सके, शंकर जयकिशन इतने बड़े संगीतकार। तो मन्ना डे साहब ने फिर रिहर्सल वगैरह कराई शंकर जयकिशन ने, जब फाइनली ये गाना रिकॉर्ड हुआ उस महान क्लासिकल सिंगर के साथ मन्ना डे साहब का, जब मन्ना डे साहब ने रिकॉर्डिंग के बाद ये गाना सुना तब उनको एहसास हुआ कि वो कितने बड़े कितने बेहतर गाने को मिस कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कि शास्त्रीय राग पर आधारित जितने भी गाने उनके फिल्मों में, ये गाना उनमें एक अलग मकाम रखता है, एक अलग पहचान रखता है मन्ना डे साहब के गानों में। तो उनको लगा वाकई शंकर जयकिशन साहब इतने काबिल म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी हाँ, मैं वो गाना बताने जा रहा हूँ, वो सिंगर कौन थे ये भी बताने जा रहा हूँ, मगर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, कर दीजिए। तो वो गाना था केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, और वो जो महान शास्त्रीय गायक थे वो थे पंडित भीमसेन जोशी, जिससे मन्नाडे साहब घबरा रहे थे उनके सामने गाने से। फिल्म थी बसंत बिहार, 1956 में आई थी, और ये बसंत राग की जमीन पर ये गाना था। इसको लिखा था शैलेंद्र साहब ने, बसंत बिहार 1956 में आई थी ये मूवी। तो अब अगर आप इस गाने को सुने तो इस नजर से सुने कि मन्ना डे साहब ने इस गाने को गाने से मना कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा शंकर जयकिशन का हुनर, कितने गुणी संगीतकार, कितने महान संगीतकार थे। तो ऐसे भी फिल्म संगीत के किस्से हुए हैं और मैं ये किस्से लेकर के आता रहूंगा। फिर कह रहा हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, शुक्रिया।